हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं चलवा मछली, जो खाने में लगता है बहुत टेस्टी। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ ले लिया है मछली को, हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, साफ़ करेंगे। तो ये 150 ग्राम है, सिर्फ मैं खाती हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं है क्वान्टिटी। हाँ, देखते हैं, शॉपकीपर इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके दे चुका है, इसको हमको ज़्यादा मेहनत करके नहीं ये साफ़ करना है। तो सबसे पहले हम एक गिलास पहले चाय कटोरी पानी लेकर के इसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लेंगे, ताकि जो हल्का फुल्का जो चोटा लगा हुआ वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। इसको फेंक देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक लेके पहले अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लेंगे, ताकि इसका जो कचरा है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा जोर लगा के, दम लगा के नहीं इसको मसलना है, हल्के हल्के हाथ से इसको सिर से रगड़ेंगे तो इसका सारा चोटा जो हल्का हल्का छोटा छोटा लगा हुआ रहता है, तो प्लेट में आप साइड में लगा हुआ देख रहे हैं, वो सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 2-3 पानी से अच्छी तरह से हम लोग साफ़ कर लेंगे। तो देखिए ये साफ़ हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहाँ डाल देंगे। अगर आपको मन है यहाँ पे तो पिसा हुआ मसाला, जो आप मसाला पीसते हैं वो डाल लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाली, मैं इसको इसी तरह से फ्राई करूँगी। तो चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ, सारे मसाले को हम लोग पीस लेंगे। तो चलिए इसको हम पीस के साइड करके रख लेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा दे करके 2 बार चाहे 3 बार आपकी क्वांटिटी जितना मछली का उसके अनुसार ही इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग रख दिए हैं, इसको अच्छी तरह से हम लोग तेल में डुबो देंगे। और इस तरीके से थोड़ी देर के बाद जब नीचे से लाल हो जाए तो हम इसको पलट देंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलट करके पका लेना। जब हल्का लाल लाल हो जाएगा तब उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हम लोग फ्राई नहीं करेंगे। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी में हम लोग और जो बचा हुआ है उसको हम लोग डाल लेंगे। तो तेल को थोड़ा अच्छा से गर्म करिएगा ताकि मछली चिपकेगा नहीं। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तेल में हम लोग फ़ौरन डालेंगे। तो आपको जैसा पसंद है, तो यहाँ पे मछली में पचफ़ोरन डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। राइस, सरसों हो गया, जीरा हो गया, मेथी हो गया, सौंफ हो गया, कलौंजी हो गया, ये सबसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए साथ में मैंने जो मसाला आपको दिखाया था वो मैंने सारा मसाला को मैंने डाल दिया है, और साथ ही में हम लोग इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा मिला लें। अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी मिर्च तीखा के लिए, तो और साथ ही में हम लोग थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, और इसमें डालने का कुछ ज़रूरत नहीं है, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। तो टमाटर मैंने पीस ही लिया है, धनिया भी मैंने पीस लिया है, इसमें और कुछ जीरा गुल के डालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे गुल के कूट के हल्का सा डाल सकते हैं। और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसको, और उसके बाद हम मसाले को अच्छी तरह से भूंजेंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे, इसको तेज़ आँच में नहीं भूंजेंगे, नहीं तो मसाला जो जल जाएगा उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको अपन आराम से भून देंगे। तो देखिए मसाला भुंजा चुका है, देखिए कढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से छोड़ रहा है, अब मसाले से खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्रेवी के अनुसार इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। तो ग्रेवी आपको जैसा चाहिए, गाढ़ा पतला, आप वैसा कर लें, और इसको अच्छी तरह से मिला लें। अब मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना ताकि उसका गुलटी ना रहे, इसको अच्छी तरह से हम लोग मिला लेंगे। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उबलने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। जब ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, मछली डालेंगे। तो देख सकते हैं ये उबलने लगा है, इसमें हम सारा मछली डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, धनिया पत्ता का डंटी, मोटा वाला डंटी रहता है ना, दो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा। अब धनिया पत्ता डाल दीजिए, यहाँ पे अच्छा लगता है, बाद में हम फिर डाल लेंगे। और थोड़ी देर ढक करके 4 से 5 मिनट लोग बॉयल होने देते हैं। उसके बाद देखिए बॉयल होने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, बन के बिल्कुल रेडी है। साथ में आप लोग मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, न भूलें मेरे वीडियो देखने। थैंक यू।